आगामी 13 को जनपद में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत श्रेष्ठतम बनाने के लिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अनवरत जारी मुहिम में शुक्रवार को स्वीप कार्यक्रम के तहत संपूर्ण जनपद के मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आईटीआई सभागार में दिव्यांग मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिव्यांग मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने 3 दिव्यांग मतदाताओं से दीप प्रज्वलित कर करवाया। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि दिव्यांग मतदाता सभी मतदाताओं के लिए प्रेरणा है और सभी लोग 13 मई को वोट जरूर डालें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांगों को समर्पित बूथ बनाए गए हैं जो उन्हें सशक्तिकरण का एहसास कराएगा। जनपद में वोटर लिस्ट में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या बड़ी है एवं जिस मतदाता का नाम अभी भी छूट गया है वह 15 अप्रैल तक आवेदन कर मतदाता में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने मोबाइल ऐप में निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण ऐप डाउनलोड कर लें। सभी लोग शत प्रतिशत मतदान का संकल्प लें और जनपद को श्रेष्ठ मतदान वाले जनपदों में लेकर आएं। स्वयं भी मतदान करें और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने सभी को मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुनानी ने कहा कि निर्वाचन आयोग दिव्यांग मतदाताओं के शत प्रतिशत मतदान के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। जनपद में दिव्यांग मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में सम्मिलित किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर न आ पाने वाले दिव्यांग मतदाताओं को घर पर वोटिंग की सुविधा दी गई है। बूथों पर भी रैंप, व्हील चेयर, दिव्यांग शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने समक्ष ऐप के बारे में दिव्यांग मतदाताओं को बताए। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी QR कोड के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि वोटर हेल्पलाइन ऐप से हम मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। दिव्यांग मतदाताओं मंजूरी, राजीव, मनोरमा, शिशुपाल ने भी अपने विचारों के माध्यम से सभी को शत प्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित किया। पहली बार मतदाता बनी दिव्यांग मुस्कान मतदाता को लेकर काफी उत्साहित नजर आई। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने दिव्यांग मतदाताओं की ट्राईसाइकल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस अवसर पर उपनिदेशक कृषि डॉक्टर नंदकिशोर, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी रीचा गुप्ता, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम आदि उपस्थित रहे। और इसके अलावा शहीद उद्यान में पतंजलि योग समिति की ओर से प्रमुख योग शिक्षक हरिवंश सिंह के द्वारा मतदान कराने की शपथ दिलाई गई। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। मतदान करें और जो हम दिव्यांग हैं तो मेरे पास भगवान ने इतना दिया है कि अपना मतदान करेंगे और सबको बताएंगे मतदान करें और वोट जाकर अपना डाले, अपना प्रधानमंत्री अच्छा सा चुने। जी डीएम साहब ने यहाँ बुलाया था हम लोगों को लिए कि मतदान जागरूकता अभियान के तहत हम लोगों को बताया है कि जो है आप लोग मतदान करिएगा। यहाँ हम लोगों को केंद्र पर व्यवस्था जो बढ़िया है, बूथ पर व्यवस्था की गई है, एक सक्षम ऐप है जो उसको डाउनलोड करके बताया है कि वो अपने डाक द्वारा भी जो है अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कुदरत ने जो हमको दिया है एक चीज जरूर कम दी है, लेकिन हमें अपना मताधिकार का प्रयोग जो है वो हमें करना है और अब करेंगे। हौसले के साथ जाएंगे सब लोग, हम मतदान का सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जय हिंद। आज हरदोई ITI में कार्यक्रम था, जिलाधिकारी महोदय ने बुलाया था 13 मई को आगामी लोकसभा के जो चुनाव है वोट पड़ने हैं उसी के लिए हम दिव्यांगों को जागरूक किया और उसी के लिए निर्देश दिया कि 13 मई को अपना मत जरूर करें और अच्छा प्रतिनिधित्व नेता चुने अपना। और इसी के बारे में हमारे जिलाधिकारी महोदय ने मुझे जानकर जागरूक किया है।